और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में वो चुनाव की धार देंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के बीच में हेमंत बिस्वा सरमा छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुवार सुबह 10 बजे रायपुर पहुंचेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और इसके बाद रायपुर से मोहला मानपुर के लिए रवाना होंगी। और बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभाएं करेंगे, जनसभाएं करेंगे, लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। और इसके अलावा राजनांदगांव में आम सभा को संबोधित भी करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा। और उनका जो प्रोटोकॉल है, दौरा है, वो भी जारी हो चुका है। स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से उनका प्रोटोकॉल जारी किया गया है। शाम 6 बजे रायपुर से एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा छत्तीसगढ़ के कल दौरे पर रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को धार देंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगे। बता दें कि गुरुवार सुबह 10 बजे रायपुर पहुंचेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और इसके बाद रायपुर से मोहला मानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो आम सभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं करेंगे, जहां पर वो बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे, राजनांदगांव में आम सभा को संबोधित करेंगे। और बता दें कि शाम को 6:15 पर रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बता दें, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को धार देंगे असम के मुख्यमंत्री। और इस बीच बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगे। और बता दें कि गुरुवार सुबह 10 बजे रायपुर पहुंचेंगे हेमंत बिस्वा सरमा और इसके बाद सीधे रायपुर से मोहला मानपुर के लिए रवाना होंगे। और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं करेंगे, लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे और राजनांदगांव में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो ये उनका दौरा है, प्रोटोकॉल है। और बता दें कि शाम को 6:15 पर रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।